सफर से सैयद सज्जाद आए हैं, लेकिन ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चलते हैं? वही गदीर का ऐलान सुन नहीं पाए, लगाए रहते थे जो लोग कान चारों। खबर मिली है कि छूने से फैल जाता है, मरीजे बुग्जे अली का इलाज कौन कर? कसब छिन जाएगा। बस इसी मकसद से करते हैं ये काबे का तवाफ, एक कदम ठहरे तो हाजी का लकब छिन जाए। बुलंदी से ये मीसम ने कहा है, जिल्लत से अली वालों ने मरना नहीं सीखा, जिल्लत से अली वालों ने मरना नहीं सीखा। चार मिसरे और के है इन्हें मालूम के हज बेसबब छिन जाएगा, है इन्हें मालूम के हज बेसबब छिन जाएगा। बुग्ज में मौला अली के सब कसब छिन जाएगा, है इन्हें मालूम के हज बेसबब छिन जाएगा। बुग्ज में मौला अली के सब कसब छिन जाएगा। बस इसी मकसद से करते हैं ये काबे का तवाफ, एक कदम ठहरे तो हाजी का लकब छिन जाए। बस इसी मकसद से करते हैं ये काबे का तवाफ, एक कदम ठहरे तो हाजी का लकब छिन जाएगा, एक कदम ठहरे तो हाजी का लकब छिन जाएगा। चार मिसरे बिल्कुल ताजे बिल्कुल नए के, जो कल तलक न हुआ ठीक आज कौन करे? जो कल तलक न हुआ ठीक आज कौन करे? डरे हुए हैं सभी एहतजाज कौन करे? क्या बात है! आखिरी मजमे तक इंशाल्लाह एक बात पहुंचाऊंगा आपको मंजिल तक। जो कल तलक न हुआ ठीक आज कौन करे? डरे हुए है सभी एहतजाज कौन करे? खबर मिली है कि छूने से फैल जाता है, मरीजे बुग्जे अली का इलाज कौन कर? जो कल तलक न हुआ ठीक आज कौन करे? डरे हुए हैं सभी एहतजाज कौन करे? खबर मिली है कि छूने से फैल जाता है, मरीजे बुग्जे अली का इलाज कौन करे? मरीजे बुग्जे अली का इलाज कौन करे? अभी मैं जैसा माहौल चाह रहा हूँ ऐसा, हालांकि यहाँ जैसे महफिल होते मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ, अभी वैसा माहौल नहीं बन पाया है, मगर इन चार मिसरों से इंशाल्लाह बन जाएगा। जिसने मौलूदे काबा है, मौलाए कायनात की विलादत काबे में हुई है। इस बात को जहन में रखिए, इमाम जमाना का जहूर कहाँ से होगा? काबे से। इस बात को जहन में रखकर चारों मिसरे सुनिए, इंशाल्लाह आखिरी मजमे तक मैं जैसे चाह रहा हूँ वैसे ही दाद मिलेगी। सुने के होगा अलम एक हाथ में और एक में जुल्फिकार, सुने जो हजरत बहार है वही से सुने। होगा अलम एक हाथ में और एक में जुल्फिकार, लाएंगे वो अली की विरासत भी साथ में। सुने चौथा मित्रा इंशाल्लाह घुटनों में दाद देंगे, मुझे यकीन है। होगा आलम एक हाथ में और एक में जुल्फिकार, लाएंगे वो अली की विरासत भी साथ में। काबे से आके देंगे वो इस बात की दलील, दादा की जायदाद है पोते के हाथ में। नवाजों को मिलकर मिलकर होगा आलम एक हाथ में और एक जुल्फिकार, लाएंगे वो अली की विरासत भी साथ में। काबे से आके देंगे वो इस बात की दलील, दादा की जायदाद है पोते के हाथ में। काबे से आके देंगे वो इस बात की दलील, दादा की जायदाद है पोते के हाथ में। दादा की जायदाद है पोते के हाथ में। कसूरवार को एक बेकसूर मारेगा, कसूरवार को एक बेकसूर मारेगा, अब हुरमुला तुझे तेरा हुरूर मारेगा। कसूरवार को एक बेकसूर मारेगा, अब हुरमुला तुझे तेरा हुरूर मारेगा। बढ़ा ले तीर की ताकत तू चाहे जितनी भी, वो मुस्कुरा के तमाचा जरूर मारे। अब हुरमुला तुझे तेरा गुरूर मारेगा। बढ़ा ले तीर की ताकत तू चाहे जितनी भी, वो मुस्कुरा के तमाचा जरूर मारेगा।
वो मुस्कुरा के तमाचा जरूर मारेगा। चार मिसरे बहुत ही आहिस्ते से पढ़ता हूँ, देखता हूँ आप बता कैसे सुनते हैं, शायरी सुन रहे के गवाही देती है तारीख ये जमाने से, गवाही देती है तारीख ये जमाने से, कभी छुपी है कहाँ बुजदिली छुपाने से। क्या बात है, क्या बात है। गवाही आपके इंतजार की है जान से, गवाही देती है तारीख ये जमाने से, कभी छुपी है कहाँ बुजदिली छुपाने से। चले हैं रोकने अब्बास को वो दरिया पर, जो एक हुर को नहीं रोक पाए जाने से। चले हैं रोकने अब्बास को वो दरिया पर, जो एक हुर को नहीं रोक पाए जाने से, जो एक हुर को नहीं रोक पाए जाने से। बिल्कुल नया कलाम इस साल का पेश कर रहा हूँ। रदीप अभी एक जफर भाई सुना रहे थे सुकून से, एक रदीप में भी कोशिश मैंने की है, अगर पहुंच जाए तो दुआओं से नवाजी। आखिरी मजमे तक मतला हाजिर करता हूँ कि खैबर का जिसने देखा था मंजर करीब से, जहन में रखिएगा रदीप करीब से, खैबर का जिसने देखा था मंजर करीब से, अब्बास उसको लगते थे हैदर करीब से। खैबर का जिसने देखा था मंजर करीब से, अब्बास उसको लगते थे हैदर करीब से। रन में लकीर खींच के गाजी खड़ा रहा, गुजरा नहीं कोई भी सितमगर करीब से। खैबर का जिसने देखा था मंजर करीब से, अब्बास उसको लगते थे हैदर करीब से। रन में लकीर खींच के गाजी खड़ा रहा, गुजरा नहीं कोई भी सितमगर करीब से। बोले हुसैन बांध के रुमाले फातिमा, बोले हुसैन बांध के रुमाले फातिमा, हुरका बना रहा हूँ मुकद्दर करीब से। बोले हुसैन बांध के रुमाले फातिमा, हुरका बना रहा हूँ मुकद्दर करीब से। दुनिया समझ रही थी जवानी नबी की है, दुनिया समझ रही थी जवानी नबी की है, आकर चले गए अली अकबर करीब से। दुनिया समझ रही थी जवानी नबी की है, दुनिया समझ रही थी जवानी नबी की। आपके मिजाज का शेर पढ़ने जा रहा हूँ, आपके मिजाज का, खैबर का जिसने देखा था मंजर करीब से, अब्बास उसको लगते थे हैदर करीब से। रन में लकीर खींच के गाजी खड़ा रहा, गुजरा नहीं कोई भी सितमगर करीब से। दुनिया समझ रही थी जवानी नबी की है, आकर चले गए अली अकबर करीब से। अब्बास तेरे खौफ से जो दूर दूर है, कैसे अदब छुए तेरा आकर करीब के। तेरे खौफ से जो दूर दूर है, कैसे आलम छुए तेरा आकर करीब से, कैसे आलम छुए तेरा आकर करीब से। दुनिया समझ रही थी जवानी नबी की है, आकर चले गए अली अकबर करीब से, आकर चले गए अली अकबर करीब से। अब्बास तेरे खौफ से जो दूर दूर है, कैसे आलम छुए तेरा आकर करीब से। ये कहे के शामियों ने बनाया था फासला, ये कहे के शामियों ने बनाया था फासला, आबिद का हमने देखा है तेवर करीब से। आखिरी शेर और जहन में रखिएगा रदीप करीब से, अगर इंसाफ हुआ हो तो आखिरी मजमे तक शिरकत चाहता हूँ। खैबर का जिसने देखा था मंजर करीब से, अब्बास उसको लगते थे हैदर करीब से। रन में लकीर खींच के गाजी खड़ा रहा, गुजरा नहीं कोई भी सितमगर करीब से। अब्बास तेरे खौफ से जो दूर दूर है, कैसे अलम छुए तेरा आकर करीब से। ये कहे के शामियों ने बनाया था फासला, आबिद का हमने देखा है तेवर करीब से। लंबे सफर के बाद भी चेहरे पे ताजगी, सच्चा चेहरे आए हैं चलकर करीब से। लंबे सफर के बाद भी चेहरे पे ताजगी, लंबे सफर के बाद भी चेहरे पे ताजगी, सज्जाद जैसे आए हैं चलकर करीब से। लंबे सफर के बाद भी चेहरे पे ताजगी, सज्जाद जैसे आए हैं चलकर करीब से। मिजाजे हजरते जैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम, मिजाजे हजरते जैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम, ये तुझसे इंतकामे खूने सरवर लेके जाएगी। मिजाजे हजरते जैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम, ये तुझसे इंतकामे खूने सरवर लेके जाएगी। नहीं जाएगी खाली हाथ ये अपने वतन वापस, बहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाएगी। खाली हाथ ये अपने वतन वापस,
बहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाएगी, बहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाएगी। हुआ नाकाम इतना तू अली असगर से टकरा कर, हुआ नाकाम इतना तू अली असगर से टकरा कर के पल दूर तुझसे तेरी नाकामी नहीं होती। हुआ नाकाम इतना तू अली असगर से टकरा कर के पल दूर तुझसे तेरी नाकामी नहीं होती। अगर हुरमुला तू हारता अब्बास से लड़कर तो तेरी हार होती, इतनी बदनामी नहीं होती। अगर हुरमुला तू हारता अब्बास से लड़कर तो तेरी हार होती, इतनी बदनामी नहीं होती। तो तेरी हार होती, इतनी बदनामी नहीं होती। ये भी रद्दी बिल्कुल नहीं है, इस साल की हुई पेश कर दे रहा हूँ, मतलब पेश कर रहा हूँ कि जो हो रही है जहाँ में अजान चारों तरफ, जो हो रही है जहाँ में अजान चारों तरफ, बढ़ा रही है ये अकबर की शान चारों तरफ। मतलब पढ़ दिया मैंने, जो हो रही है जहाँ में अजान चारों तरफ, बढ़ा रही है ये अकबर की शान चारों तरफ। बिछा के फर्शे अज़ा बोली शाम में ज़ैनब, अब होगा भाई का मेरे बयान चारों तरफ। जो हो रही है जहां में अजान चारों तरफ, बढ़ा रही है ये अकबर की शान चारों तरफ। बिछा के फर्शे अज़ा बोली शाम में ज़ैनब, अब होगा भाई का मेरे बयान चारों तरफ। उसी तरह से है परचम के साए में हम लोग, उसी तरह से हैं परचम के साए में हम लोग के जैसे सर पे है ये आसमान चारों तरफ। उसी तरह से हैं परचम के साए में हम लोग, उसी तरह से हैं परचम के साए में हम लोग के जैसे सर पे है ये आसमान चारों तरफ। हबीब इब्ने मज़ाहिर को देख कर रन में, हबीब इब्ने मज़ाहिर को देख कर रन में लरज रहे हैं यजीदी जवान चारों तरफ। अब शेर सुनिए, जो हो रही है जहां में अजान चारों तरफ, बढ़ा रही है ये अकबर की शान चारों तरफ। हबीब इब्ने मज़ाहिर को देख कर रन में लरज रहे हैं यजीदी जवान चारों तरफ। ये बात कह के हंसा था यजीद पे असगर, जलील होगा तेरा खानदान चारों। जलील होगा तेरा खानदान चारों तरफ, जलील होगा तेरा खानदान चारों तरफ। ये शेर बहुत ही आहिस्ता से पढ़ूंगा और मुझे यकीन है बहुत जोर से आप दाद देंगे, बहुत आहिस्ता से। जलील होगा तेरा खानदान चारों तरफ, वही गदीर का ऐलान सुन नहीं पाए, वही गदीर का ऐलान सुन नहीं पाए। लगाए रहते थे जो लोग कान चारों, वही गदीर का ऐलान सुन नहीं पाए, वही गदीर का ऐलान सुन नहीं पाए। लगाए रहते थे जो लोग कान चारों तरफ, लगाए रहते थे जो लोग कान चारों तरफ। इसीलिए तो है दुनिया के बीच में काबा, इसीलिए तो है दुनिया के बीच में काबा। दिखाई दे नए दर का निशान चारों, बीच में काबा। दिखाई दे नए दर का निशान चारों तरफ, दिखाई दे नए दर का निशान चारों तरफ। इमाम बाड़े की सूरत में शम्स की तरह, इमाम बाड़े की सूरत में शम्स की तरह चमक रहा है हुसैनी मकान चारों तरफ। इमाम बाड़े की सूरत में शम्स की तरह चमक रहा है हुसैनी मकान चारों तरफ, चमक रहा है हुसैनी मकान चारों तरफ। ज़बाने मीसमे तमार का ये सदका है, क्या बात है। ज़बाने मीसमे तमार का ये सदका है जो छा गई है हमारी ज़बान चारों तरफ। आखिरी शेर इस कलाम का,
जबाने मी समेत तमार का ये सदका है। इमाम बाड़े की सूरत में शम्स की तरह चमक रहा है हुसैनी मकान चारों तरफ। जबाने मी समेत तमार का ये सदका है जो छा गई है हमारी जबान चारों तरफ। वो करबला वो नजब का आजमैन जाते नहीं, जरी ने कैद दिया क्या निशान चारों तरफ। वो करबला वो नजब का आजमैन जाते नहीं, वो करबला वो नजब का आजमैन जाते नहीं, जरी ने खैंस दिया क्या निशान चारों तरफ। वो करबला वो नजब का आजमैन जाते नहीं, जरी ने खैंस दिया क्या निशान चारों तरफ, जरी ने खैंस दिया क्या निशान चारों तरफ। शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, हर वक्त करबला के मदीना है साथ में। शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, हर वक्त करबला के मदीना है साथ में। अब्बास से अली ना जुदा हूं इसीलिए शाबान और रजब का महीना है साथ में। शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, हर वक्त करबला के मदीना है साथ में। अब्बास से अली ना जुदा हूं इसीलिए शाबान और रजब का महीना है साथ में। बोले हबीब चूम के बचपन में शह का हाथ, मरना है हमको साथ में जीना है साथ में। बोले हबीब चूम के बचपन में शह का हाथ, मरना है हमको साथ में जीना है साथ में, मरना है हमको साथ में जीना है साथ में, मरना है हमको साथ में जीना है साथ में। ऐ कब्र खाऊं तेरे अंधेरों का खौफ क्यों, ऐ कब्र खाऊं तेरे अंधेरों का खौफ क्यों, आंसू का बेमिसाल नगीना है साथ में। बस आखिरी दो शेर के, शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, हर वक्त करबला के मदीना है साथ में। अब्बास से अली ना जुदा हो इसीलिए शाबान और रजब का महीना है साथ में। बोले हबीब चून के बचपन में शेख का हाथ, मरना है हमको साथ में जीना है साथ में। कोई मिटा ना पाएगा ये जिक्र करबला, भाई का हूँ बहन का पसीना है साथ। आखिरी शेर इस कलाम का, आखिरी शेर अगर रदीप के साथ इंसाफ हो गया हो तो आखिरी मन में तक शिरकत चाहता हूँ। शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, हर वक्त करबला के मदीना है साथ में। बोले हबीब चूम के बचपन में शह का हाथ, मरना है हमको साथ में जीना है साथ में। कोई मिटा ना पाएगा ये जिक्र करबला, भाई का खून बहन का पसीना है साथ में। आबिद को ए यजीद अकेला ना तू समझ, एक इंकलाब बन के सकीना है साथ में। यजीद अकेला न तू समझ, आबिद को है यजीद अकेला न तू समझ, एक इनकलाब बन के सकीना है साथ में। आबिद को है यजीद अकेला न तू समझ, एक इनकलाब बन के सकीना है साथ में, एक इनकलाब बन के सकीना है साथ में। हुसैन वाले एक मतलब तीन शेर आपकी जहमत तमाम, हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं। क्या कहने, हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं। हमारे खून में शामिल है सक्का असगर, हमारे खून में शामिल है सक्का असगर, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। आखिरी दो शेर, आखिरी दो शेर पूरी जितने भी शेर मैंने सुनाए इस कलाम के, आखिरी ये दो शेर पढ़ने के लिए तमहीद के तौर पे मैंने शेर पढ़े हैं। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं। हमारे खून में शामिल है सदका असगर, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। सफर से सैयद सज्जाद आए हैं, लेकिन ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चलते हैं। सैयद सज्जाद आए हैं, लेकिन ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चलते। आखिरी शेर,
इंसाफ कीजिएगा। शेर के साथ आका हुसैन के हवाले से आपके जहमत तमाम। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में बहत्तर जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं। हमारे खून में शामिल है सदका असगर, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। सफर से सैयद सज्जाद आए हैं, लेकिन ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चलते हैं? बता रहे हैं ये शब्बीर नोक नेजा से, जो जीत जाते हैं वो सर उठा के चलते हैं।